हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड नाइट्रिकम के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसिड नाइट्रिकम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट ऑफ पोटाश से तैयार होती है। पारा उपदंश यानी गर्मी की बीमारी, कंठमाला इत्यादि के धातुगत विष से पैदा हुए रोगों में यह एसिड प्रतिविष यानी एंटीडोट की तरह काम करती है। नाइट्रिक एसिड अस्थि, चर्म, रक्त, श्लेष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन और चर्म के संधि स्थान यानी जहाँ पे त्वचा मिलती है म्यूकस मेम्ब्रेन और त्वचा, उस स्थान के रोगों, ग्रंथियों, ओठ के किनारे, मलद्वार, योनि आदि पर इसकी क्रिया अधिक होती है। जिन मनुष्यों की पेशियां कड़ी किंतु शरीर दुबला रहता है, काले केश, काली आंखें और स्नायु प्रधान धातु वाले जो अक्सर पुरानी बीमारियां भोगते रहते हैं, जिन्हें सहज में ही सर्दी लग जाती है, जरा सा अनियमित होते ही जिनका पेट खराब हो जाता है और पेट की बीमारी पैदा हो जाती है, उन पर ही इस दवा की विशेष क्रिया होती है। जिन्हें कब्ज रहता है उनकी बीमारी में यह उतना लाभदायक नहीं होती। बुढ़ापे की कमजोरी और अतिसार में इससे जल्दी फायदा होता है। इसका रोगी थोड़े से कारण से ही उत्तेजित हो उठता है, गुस्सा हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ाता है, अपने आरोग्य के विषय में निराश रहता है और हमेशा न जाने क्या क्या सोचा करता है। चरित्रगत लक्षण: गले के भीतर अथवा किसी दूसरी जगह के दर्द में ऐसा अनुभव होना कि कांटा या सीख गड़ गई है, दर्द एकाएक पैदा होना और एकाएक ही गायब हो जाना, एक बार एक जगह तो दूसरी बार दूसरी जगह, चबाने की तरह का दर्द, ऋतु परिवर्तन और नींद के समय दर्द बढ़ जाना, टाइफाइड, ज्वर में रक्तस्राव होना, जख्म से खून बहना, शरीर के सभी द्वारों से खून जाना, जरा से में खून निकलने लगना, पेशाब गंदा होना, थोड़ा कड़वा या तीखी गंध भरा, पसीना, मल इत्यादि सभी में बदबू, पारा और उपदंश यानी गर्मी के रोग की प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी यानी गौण या टर्सरी उपदंश का जख्म हो, पारा के अपव्यवहार के बाद मुंह का जख्म होना, पारा, गर्मी आदि रोगों के कारण स्वास्थ्य भंग हो जाना, रुग्ण होना, अतिसार, बहुत कूथन पर मल बहुत थोड़ा ही निकलना, ऐसा मालूम होना मानो भीतर बहुत सा मल भरा हुआ है लेकिन निकलता नहीं है, मल द्वार में ऐसा दर्द मानो घाव हो गया है, बवासीर या दूसरी दूसरी बीमारियों में पाखाना होने के बाद बहुत देर तक मल द्वार में जलन और कांटा गड़ने की तरह का दर्द होना। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं रटानिया के साथ में। पाखाने के समय भी दर्द होना, मल द्वार में फटे घाव जिसे फिशर कहते हैं, मुंह के कोने में फटे घाव, इसके कंपेयर कर सकते हैं नेट्रेम्यूर के साथ में। टाइफाइड ज्वर में आंतों से रक्त स्राव होना, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एसिडम्यूर के साथ में। गर्भस्राव, प्रसव के बाद या कोई चीज भारी उठाने के बाद अथवा बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद रक्तस्राव होना, रक्त परिमाण में अधिक चमकीला लाल या काले रंग का होना, गर्मी या प्रमेह की वजह से मस्से होना, खड़िया, मिट्टी, पेंसिल इत्यादि खान वगैरह खाने की इच्छा होना, हड्डी के चारों ओर या माथे के चारों ओर ऐसा मालूम होना मानो पट्टी बंधी हुई है, किसी भी ऊंची शक्ति की दवा के प्रयोग के बाद रोग का बढ़ जाना, ऐसी कंडीशन में अगर हम एसिड नाइट्रिक देते हैं वो उसको एंटीडोट कर देती है। अपनी बीमारी और बीती हुई तकलीफों के विषय में लगातार सोचते रहना,
हैजा की बीमारी हो जाना, कान से सुनाई नहीं पड़ना, किंतु चलती हुई गाड़ी अथवा रेलगाड़ी में चढ़ने पर उस समय अच्छी तरह सुन सकना, ऋतुस्राव आरंभ होने के पहले मन खराब होना, रोगी का दिनों दिन दुबला और कमजोर होता जाना, यहाँ तक कि कांपता रहता है, हमेशा पड़ा रहना चाहता है, नाड़ी की गति रुक रुक कर चलती है, सिर के केस झड़ जाना, चाँद पर स्पर्श सहन न होना, दर्द होते रहना, हाथ पैर व बगल में पसीना होना, उंगली में गला घाव हो जाते हैं, उपदंश, ऐसा मालूम होना कि उपदंश के सफेद फूही या स्लफ जमे हुए जख्म की को कोई लकड़ी से कुरेद रहा हो और उस जख्म के चारों ओर मांसांकुर जिसको ग्रैनुलेशंस बोलते हैं पैदा होते हैं, उनमें हाथ लगाते ही खून निकलने लगना, बधी हुई पट्टी या बैंडेज खून से भीग जाना, इससे फायदा होगा नाइट्रिक एसिड के उद्भेद या इरप्शन तांबे के रंग के और छोटी छोटी फुंसियों की तरह होते हैं, नाक तथा ओठ के कोने में जख्म हो जाता है या फट जाता है, घाव से जो पीव या रस निकलता है उसमें बहुत बदबू रहती है, जख्म गहरा रहता है, लकड़ी से कुरदा सजाना और जलम मालूम होना, ये नाइट्रिक एसिड के विशेष लक्षण हैं। लकड़ी से कुरेदा जाना में चूहने जैसा दर्द होता है। नाइट्रिक एसिड में हड्डी का दर्द रात के समय बरसात के दिनों में या वर्षा ऋतु में अधिक बढ़ता है। इसके दाने हाथ, सिर और दाढ़ी की हड्डी में अधिक होते हैं। पारद की प्रधान क्रियानाशक एंटीडोट दवा है हिपरसल्फ, पर यदि उपदंश के साथ पारा का विष मिला रहे तो नाइट्रिक एसिड अधिक लाभ करती है। मैस्टॉइड सेल जिसे स्तन कोश कहते हैं में प्रदाह पैदा होकर जख्म हो जाए, कैरीज ऑफ मैस्टॉइड, और वह जख्म क्रमशः अस्थि तक चला जाए, बोन तक चला जाए, तो वहां पे आरामेट, नाइट्रिक एसिड आदि दवाएं लाभ करती हैं। कैप्सिकम प्रदाह की पहली अवस्था की दवा है। मुंह का छत, मुंह के घाव में मुंह से लगातार लार बहा करता है, उस घाव में सीक गड़ने की तरह दर्द होता है, इस लक्षण में नाइट्रिक एसिड अधिक फायदा करती है। अगर जख्म जीभ अथवा मसूड़े से आरंभ होकर गले के भीतर तक फैल जाए और जख्म में कांटा गड़ने की तरह दर्द हो तो इससे जरूर फायदा होगा। मसूड़े में जख्म, उसे रस रक्त निकलना, जीभ में घाव होना, सूजन, जलन इत्यादि में नाइट्रिक एसिड खूब फायदा दिखाई देता है। घाव पारा या उपदंश के कारण हो तो और भी ज्यादा फायदा करती है। छत, जो जख्म बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, जख्म से भद्दी बदबूदार पीप निकलती है, उसमें हाथ लगाते ही खून निकलने लगता है, उसमें नाइट्रिक एसिड लाभ करती है। खून बहने वाले मस्से में इससे ज्यादा फायदा होता है। पैर की उंगली का घाव, गला घाव, पैर के तलवे में पसीना होकर पैर की उंगली में पानी गला घाव हो जाता है, उसमें तेज तनाव और खोंचा मारने की तरह दर्द होता है, नाइट्रिक एसिड के पसीने में बहुत बदबू रहती है। जिनके हाथ, हथेली और बगल में पसीना होता है उनके लिए यह अधिक फायदेमंद है। आंखों की बीमारी, कनीनिका में जख्म होना, दूना यानी डबल दिखाई देना, गुहेरी यानी स्टाई इत्यादि में यह ज्यादा फायदा करती है। यदि फायदा न हो तो कैल्केरिया सल्फ का प्रयोग करना चाहिए। पारद के अधिक व्यवहार के कारण हुए आयराइटिस यानी तारका मंडल प्रदाह रोग में आंख के चारों ओर और वहां की हड्डी के भीतर दर्द रहने पर नाइट्रिक एसिड से लाभ होता है। इसके अलावा एसाफेटिडा, मर्क्यूरियस स्कॉर आदि दवाएं भी उपयोगी हैं। ऐसा फिटिडा का दर्द नाइट्रिक एसिड की अपेक्षा और भी ज्यादा होता है और रात में उपसर्ग बढ़ जाते हैं। सिर में चक्कर और सिर दर्द, सवेरे और रात में बिछौने से उठने और टहलने के समय दर्द बढ़ता है
और गाड़ी में चढ़ने पर घटता है। सिर दर्द के समय ऐसा मालूम होता है मानो हड्डी के भीतर दर्द हो रहा है। ऊपर बताए समयों के अलावा सिर दर्द रात में भी बढ़ता है। ऐसा मालूम होता है मानो माथे में पट्टी बंधी है। टोपी के दबाव से भी सिर दर्द बढ़ता है और कान से लेकर ब्रह्म तालु तक फैल जाता है, यानी वर्टेक्स रीजन तक फैल जाता है। खांसी, यकृत की गड़बड़ी के कारण खांसी, गले में सुरसुरी होकर खांसी, रात में सोने या नींद लग जाने पर खांसी बढ़ती है। बहुधा सूखी खांसी आती है। रात की खांसी में अक्सर कुछ नहीं निकलता। बलगम, खून मिला, पुरानी सूखी खांसी, गले में जख्म की तरह का दर्द, इसके अलावा यक्ष्मा रोग की खांसी में भी नाइट्रिक एसिड उपयोगी है। यक्ष्मा रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, जब फेफड़े में ट्यूबरकल यानी गुटिका फूटकर जख्म होता है, हेक्टिक ज्वर यानी क्षय ज्वर जिसे कहते हैं, और रात में पसीना हुआ करता है, छाती में बहुत दर्द होता है, मुंह से लगातार चमकीला लाल रंग का खून निकला करता है, श्वास में तकलीफ होती है, सवेरे स्वरभंग और रोग वृद्धि के साथ ही साथ पतले दस्त आते हैं, परीक्षा करने पर छाती में जोर की घड़घड़ की आवाज़ यानी रेटलिंग साउंड जिसे लाउड रेल कहते हैं मिलती है, पीप मिला बल बदबूदार बलगम निकलता है, उस समय नाइट्रिक एसिड विशेष लाभ करती है। थाइसिस यानी यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस, यह रोग एक तरह से दुरारोग्य होने पर भी जब रोगी के कलेजे में खून इकट्ठा होता है और इतना दर्द होता है कि कलेजे पर हाथ नहीं रखा जाता, मुंह से रक्त आता है, श्वास कष्ट और दम रुक जाने की तरह हो जाता है, रोगी बहुत अधिक कमजोर हो पड़ता है, रात में पसीना होता है, उस समय इससे कुछ फायदा हो सकता है। भगंदर और बवासीर, फिस्टुला इनेनो एंड पाइल्स, पाखाना ढीला या कड़ा कैसा भी क्यों न हो, पाखाने के समय और बाद में मल द्वार में जोर की जलन और ऐसा मालूम होना मालूम मल द्वार में कांटा चुभा हुआ है। नाइट्रिक एसिड में पाखाने के समय और बाद में जोर की कुथन और वेग रहता है, मल द्वार फटकर घाव हो जाता है, खून गिरता है। ग्रेफाइटिस, नाइट्रिक एसिड के कितने ही लक्षण रहने पर भी इसमें वेग और कुथन नहीं रहती। रटानिया, 3x 6x शक्ति, पखाने के समय बहुत अधिक वेग रहता है, इसके अलावा जलन इतनी अधिक रहती है मानो किसी ने लाल मिर्च की बुकनी छिड़क दी हो। पियोनिया ऑफिसिनेलिस, 3rd and 6th पोटेंसी, मल द्वार से हमेशा ही रस निकला करता है और वहां दर्द तथा तनाव बहुत अधिक रहता है। डॉक्टर ह्यूजेस का कहना है कमर के नीचे कहीं भी घाव क्यों न हो वह पियोनिया से आरोग्य हो जाता है। मल द्वार में खुजली, फूलना, जोर की जलन, पाखाने के बाद भीतर बहुत जाड़ा मालूम होना, भगंदर और अतिसार, तकलीफ देने वाला जख्म, पेरिनियम यानी सीवन के ऊपर सिर लगातार बदबूदार स्राव बहा करना, बवासीर, मलद्वार का फटना इत्यादि भी पियोनिया के अंतर्गत है। इसका अध्याय देखिएगा। सैलिसिया, बहुत कब्जियत, मल बाहर निकलकर फिर भीतर घुस जाना, ये इसका बड़ा खास सिम्टम है। इस सिम्टम पे इसको हम थूजा के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। बवासीर के रोगी को कब्जियत के लिए नित्य सवेरे छिलका उतरे काले तिल पीसकर दो भरी, मक्खन दो भरी, मिश्री दो भरी एक साथ मिलाकर खाना चाहिए। बवासीर के रक्तस्राव के लिए साइमेक्स और एस्कुलस अध्याय में आपको ज्यादा मिलेगा। मलद्वार में मस्सा हो, मलद्वार में एक तरह के फटे फटे घाव के साथ उसके पास खूब ऊंचा मस्सा और उसके साथ ही वहां की हड्डी में दर्द रहता है। पेशाब की बीमारी, मलद्वार में के साथ साथ में पेशाब पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। पेशाब थोड़ी हो या अधिक, पेशाब में अक्सर खून रहता है और पेशाब में घोड़े की पेशाब की तरह गंध रहती है। इस सिम्टम भी इसको हम एसिड बेंजोइक के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूजफुल इन ऑक्सिलुरिया, लगातार पेशाब का वेग,
पर पेशाब थोड़ा थोड़ा होता है। पेशाब के समय बहुत जलन रहती है। मूत्र नली के भीतर जलन जलन दूर करने के लिए रोगी बार बार पेशाब करने की चेष्टा करता है, पर उससे तकलीफ और भी बढ़ जाती है। ये लक्षण अक्सर नाइट्रिक एसिड में दिखाई देते हैं। प्रमेह रोग में या किसी दूसरे कारण से मूत्र नली में जख्म होने पर नाइट्रिक एसिड से विशेष फायदा हुआ करता है। अतिसार और आमाशय, पखाने में बहुत बदबू होना, सड़ी गंध, हरे कालीमा लिए हरे और पानी की तरह पतले दस्त, उनमें खून के छींटे या अधिक रक्त, पखाने के साथ श्लेष्मा के फटे फटे टुकड़ों की तरह पदार्थ रहता है, पखाने के समय पेट में छुरी से काटने की तरह दर्द और जलन तथा पखाने के बाद बहुत देर तक दर्द और जलन रहती है। रक्त आमाशय में बहुत कूथन और वेग, लगातार पखाने का वेग होता है, पर सभी समय पखाना नहीं होता, कभी कभी तो निरा खून का पखाना होता है। इसके साथ ज्वर भी रहता है। नाइट्रिक एसिड के रोगी को प्रायः पतले दस्त ही आते हैं, कब्जियत नहीं रहती। वात श्लेष्मा ज्वर या टाइफाइड, इस रोग में दूसरे या तीसरे सप्ताह में प्रायः आंत में पियर्स पैचेज यानी घाव हो जाता है। जब ज्वर के साथ अतिसार, बदबूदार, गहरे हरे रंग का पीला हरा आंव या रक्त मिला पखाना हुआ करता है। पेट में कभी कभी तेज दर्द और जीभ में छाले हो जाते हैं, उस समय नाइट्रिक एसिड लाभ करती है। इस ज्वर में अक्सर निमोनिया हो जाया करता है। छाती में श्लेष्मा की घड़घड़ाहट की आवाज़ होती है। यह लक्षण फेफड़े के पक्षाघात का लक्षण बताने वाला है। जो हो, यह लक्षण दिखाई देते ही क्षण भर भी देर न करके तुरंत नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करें। इस समय रोगी की नाड़ी हरे तीसरे स्पंदन पर रुक जाती है। एसिड म्यूर में भी यह लक्षण है। टाइफाइड ज्वर में मल द्वार से स्राव, रक्त स्राव होने पर नाइट्रिक एसिड अधिक लाभ करती है। इसके अलावा इस ज्वर में रक्त स्राव की और कई दवाएं लक्षण के अनुसार प्रयोग की जाती हैं, जैसे एल्यूमिना। रक्त थक्का थक्का, एक एक थक्का खूब बड़ा, पेट में दर्द बिल्कुल नहीं रहता है। हेमामेलिस, रक्त कुछ काला, ठीक हेमामेलिस मदर टिंचर के रंग की तरह का। इसमें रक्त स्राव के समय पेट में दर्द रहता है, खून का थक्का थक्का नहीं रहता है। नाइट्रिक एसिड, रक्त का रंग चमकीला लाल, रक्त में भी एक भी थक्का नहीं रहना, यहाँ तक कि छोटे छोटे थक्के भी नहीं रहते हैं। आर्निका, रक्त चमकीले रंग का, उसके साथ छोटे छोटे थक्के रहना। लैकेसिस, सड़ी दुर्गंधयुक्त काले रंग के पाखाने के साथ रक्त होना। एरिबिंथ, रक्त स्राव के साथ पेट फूलना, पेशाब की राह से रक्त स्राव होना, ये लक्षण है टेरिबिंथ में। चाइना, अधिक स्राव के कारण कमजोरी होना, इसमें कान में भों-भों की आवाज़ होना और बेहोशी का भाव हो जाना। याद रहे कि टाइफाइड ज्वर की प्रधान दवाएं बेप्टिस या आर्सेनिक म्यूरेटिक एसिड में भी रक्त स्राव बंद होता है। गर्भस्राव, गर्भस्राव होने के बाद या प्रसव के बाद बहुत अधिक रक्तस्राव के साथ ऐसा दर्द हो कि जैसे योनि की राह से पेट की नस नाड़ी निकल पड़ेगी, और ऐसे दर्द के साथ कमर, जांघ और कुल्हे में भी दर्द रहने पर नाइट्रिक एसिड अधिक उपयोगी है। स्त्री रोग, कुछ कुछ पीले रंग का सड़ा बदबूदार प्रदर स्राव यानी लिकोरिया, ऋतुस्राव के बाद बढ़ जाना, ऋतुस्राव के बाद लिकोरिया बढ़ जाए, जरायु ग्रीवा में जख्म और प्रदाह। जरायु ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ ये होता है, जरायु यानी यूट्रस और ग्रीवा उसका मुंह, यानी यूट्रस का जो सर्विक्स का पोर्शन होता है वहां पे जख्म होना, सूजन होना, जरायु मुख पर दाने की तरह उत्पन्न होना, उससे पानी की तरह पतला खाल उधेड़ देने वाला बदबूदार स्राव निकलना, योनि मुख में तनाव सा होना और खूब खुजलाना, योनि के भीतर सुई गड़ने की तरह दर्द, जरायु से या जरायु के जख्म और अबुर्द से लगातार रक्त स्राव हुआ करता है। अबुर्द यानी ट्यूमर। जरायु से रक्त स्राव होने पर तलपेट से नीचे की ओर बड़े जोर का दर्द पूर्व तक उतर जाता है। पेशाब में कटुगंध रहती है।
रोगिणी कमजोर और रक्तहीन हो जाती है। मासिक ऋतुस्राव खूब जल्दी जल्दी और परिमाण में अधिक होता है। खून का रंग कीचड़ मिले पानी की तरह होता है। प्रसव के बाद जराय से रक्तस्राव होना यानी मेट्रोरेजिया। सविराम ज्वर, जिनकी सर्दी की धातु है उनके पुराने ज्वर में नाइट्रिक एसिड के विशेष लक्षण मुंह में छाले, पेशाब में बदबू, संध्या या रात को और ऋतु परिवर्तन के समय ज्वर का बढ़ जाना इत्यादि में यह विशेष उपयोगी है। नाइट्रिक एसिड का ज्वर 2 या 3 दिनों का अंतर देकर आता है। सविराम ज्वर तीसरे पहर संध्या या रात को आता है तो नख सूर्णिका की तरह लगातार जाड़ा लगता रहता है। इसके बाद 10-15 मिनट के लिए ताप और उसके बाद पसीना आता है। सभी अवस्था में प्यास नहीं रहती है, पैर बहुत ठंडे रहते हैं। इसके पसीने और मूत्र में घोड़े के पेशाब की तरह बदबू रहती है। होठों के कोने फटे और ओठ के घाव की तरह हो जाता है। यकृत जनित पुराना बुखार हो तो नाइट्रिक एसिड लाभदायक है। कान की बीमारियां, कान के भीतर से पानी की तरह का स्राव निकलना, उसमें बहुत बदबू रहना, कान में कोचने की तरह का टपकन का दर्द और तकलीफ होना, उपदंश रोग वाले के कान पकना, कान के पीछे सूजन होना और वहां पककर सड़ जाना, बहरापन, रोगी कुछ भी सुन नहीं पाता है पर जब गाड़ी या रेलगाड़ी में सवारी करता है उस समय धीरे धीरे बात करने पर भी सुन लेता है। इसका एक और प्रधान लक्षण है, गाड़ी में जाने आने के समय गाड़ी की आवाज़ से उसे कोई तकलीफ नहीं होती है पर पक्की सड़क से जाने वाली गाड़ी की आवाज़ सहन नहीं होती है, तकलीफ मालूम होती है। कुछ चबाने पर कान में खटखट की आवाज़ होती है। नाइट्रिक एसिड या पारा के अपव्यवहार के कारण पैदा हुई बीमारियों और अधिक मात्रा में डिजिटलिस खाने के कारण पैदा हुए रोगों की प्रतिषेधक दवा है। यह उपदंश रोग की महा औषधि है। कैलिडियम से पहले उसके बाद में तथा कैलकेरिया, हिपर और थूजा खास करके कालिकार्म के बाद ज़्यादा फायदा करती है। लैकेसिस के पहले या बाद में इसका व्यवहार करना उचित नहीं है। वृद्धि, आधी रात के बाद छूने पर, सर्दी गर्मी के हेर फेर से पसीना निकलने पर, पानी से धोने या नहाने से, गर्मी की ऋतु में शीत प्रधान स्थान में जागने और टहलने पर वृद्धि होती है। ह्रास यानी आराम मिलता है। सवारी आदमी घूमने के समय इसमें आराम मिलता है, जबकि सवारी में घूमने पर तकलीफ अगर बढ़ती है तो वहाँ पे कॉकलिस दिया जाता है। इसके बाद की दवाएं आर्निका, एरेमिट्रिफाइलम, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, काली कार्ब, क्रियोजोट, मर्कसॉल, फास्फोरस, पल्सर्टिला, साइसिया, सल्फर, सीपिया, थूजा, ये इसके बाद की दवाएं हैं। क्रियानाशक दवाएं इकोनाइट, कैलकेरिया, हिपरसल्फ, कोनियम, मर्कसॉल, मेजेरियम और सल्फर। क्रिया का स्थिति काल होता है 40 से 60 दिन तक इसकी क्रिया होती रहती है। क्रम 6 से लेकर 200 पोटेंशी तक इसका यूज किया जाता है। जरूरत पड़ने पर 1 mm पोटेंशी की भी आवश्यकता पड़ जाती है, स्पेशली जब खासों से स्टोमेटाइटिस की कंडीशन हो और 200 से पोटेंशी से फायदा ना हो तो वहाँ पे 1 mm अच्छा काम करती है। पारद विषनाशक के तौर पर 200 शक्ति ही उत्तम है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज नाइट्रिक एसिड के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की जानकारी से आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। आज की मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है, इसको दोबारा फिर से देखिएगा दोस्तों, ये आपके बड़ी काम आएगी। फिर मिलते हैं एक और नई मेडिसिन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।